अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 ऐसे एलियंस हैं जो एलियंस को डिफीट कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अरे कहना क्या चाहते हो? तो फिर आप जल्दी से एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर फाइव पर है क्लॉकवर्क। एलियनक्स अपने टाइम पॉक्स के साथ डिफीट कर सकता है, और आपको होगा कि टाइम पॉक्स तो एलियनक्स के पास भी हैं, लेकिन मंडल अल्टीमेटल में हमें वे भी एलियनक्स दिखाया गया था, और फिर एलियनक्स बड़ा होगा और फिर वो बुरा भी होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एलियनक्स के ऊपर टाइम पॉक्स का असर नहीं हो सकता? नंबर 4 अब तक एलियनक्स की बॉडी को खाकर उसे डिफीट कर सकता है। अब तक टॉप 10 की लिस्ट में तो नहीं आता, क्योंकि इस लिस्ट के नंबर 4 पर तो आता है ना, तो इसलिए अब तक एलियनक्स को डिफीट कर सकता है, चाहे उसके अंदर कितना भी बड़ा यूनिवर्स हो, अब तक फिर भी उसे खा कर डिफीट कर सकता है। नंबर 3 टॉय पिक एलियनक्स को डरा सकता है, क्योंकि एलियनक्स के अंदर बैन ही होता है ना, तो अगर एलियनक्स कंट्रोलर ही डर जाएगा तो एलियनक्स भी डिफीट हो जाएगा। टॉय पिक को कम मत समझना, टॉय पिक बंडल की टॉप 10 लिस्ट में भी आता है, अब तक तो फिर भी इतना पॉपुलर हुआ था, लेकिन टॉय पिक इतना नहीं हुआ, फिर भी अब तक टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आ पाया। म्यूजिक नंबर 2 वैम्पायर एलियनक्स की बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड या केमिकल्स है वो पीकर तो उसको आसानी से डिफीट कर देंगे, और ये वाला वैम्पायर इतना खतरनाक है कि आप जान नहीं सकते। वैम्पायर आप मूवीज में देखे होंगे, और इस वैम्पायर को कम समझने की कोशिश मत करना। ये बात है, अगर एलियनक्स ने एक्शन कर लिया तो वैम्पायर उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। नंबर 1 पर जो एलियन है उसका नाम है सेलेस्टियल सेपियन। अरे कहना क्या चाहते हो? अब एलियन एक्स भी तो एक सेलेस्टियल सेपियन है, और अगर कोई और सेलेस्टियल सेपियन एलियनक्स के साथ फाइट करेगा, दोनों में से कोई जीत सकता है और कोई हार सकता है। हाँ, हमने एक दफ़ा फाइट देखी थी सेलेस्टियल सेपियन यानी एलियनक्स और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की, लेकिन फिर भी गैलेक्टिक ग्लैडिएटर थोड़ा कमज़ोर था एलियनक्स, और सीन अवेलेबल ने बैन को फुल कंट्रोल दिया था एलियनक्स का। अगर बैन के पास हाफ कंट्रोल होता तो वो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर बैन को आसान से डिफीट कर देता। हाँ, तो अगर ये तुम्हारा छोटा सा वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।